हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय हेल्दी सिंपल कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं विदाउट चॉकलेट चॉकलेट आइसक्रीम। घर में कैसे बना सकते हैं उसी का रेसिपी लेते हैं। मैंने लिया एक चॉकलेट बिस्किट, कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। मेरा घर में बनबन बिस्किट था तो मैंने वो एक पैकेट ले लिया। तो पैकेट से निकाल के ऐसा मिक्सी का जार में डाल के उसको हम लोग पाउडर बनाएंगे। कभी चॉकलेट बिस्किट खाने का मन है तो आराम से बना सकते हैं। इसमें ऐसे पाउडर बना लिया हम लोग चॉकलेट बिस्किट से। अभी 300 ml मिल्क लिया, फुल क्रीम मिल्क। उसका साथ हम लोग 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स करेंगे, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। अच्छा से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग पाउडर, बिस्किट का जो पाउडर बना के रखा था उसको हम लोग मिक्स करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें। तो इसको अच्छा तरह से मिला लेना। मिला लेने के बाद हम लोग इसको कुक करेंगे थोड़ी देर, वेरी लो फ्लेम में कुक करेंगे। और व्यूअर्स, मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैंने पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। आपको जितना मीठा पसंद है आप वैसा ही शुगर ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिस्किट ऐसा ही थोड़ा स्वीट सा है, इसीलिए मैंने बहुत कम शुगर ऐड किया। आप चाहे तो ज़्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं, आपका घर में जितना पसंद है, जैसे मीठा वैसा पसंद। हम लोग कुक स्टार्ट कर दिया इसको थोड़ा सा। अभी वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। स्लोली धीमे आंच में हम लोग पका रही हूँ। स्लोली स्लोली ये ठीक हो गई। अभी स्विच ऑफ कर दिया फ्लेम और अभी इसको थोड़ी देर साइड में रख के थोड़ा ठंड होने देंगे। उसके बाद हम लोग ग्राइंडर जार में डाल के इसको फिर 1 मिनट चला लेंगे। 1 मिनट चलाने के बाद ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। बहुत स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए बस 1 मिनट ग्राइंड किया। अभी देखिए आपका ग्राइंड स्मूथ पेस्ट बन गया बहुत अच्छा से। अभी हम लोग को बोल में ट्रांसफ़र कर दिया। बोल में ट्रांसफ़र करके हम लोग डीप फ्रीज़र में डाल देंगे। ये चॉकलेट इतना टेस्टी एंड हेल्दी है, आप लोग घर में कई भी टाइम पे बना सकते हैं। चॉकलेट घर में नहीं है तो क्या है, कोको पाउडर भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चॉकलेट बिस्किट से अच्छा से बना सकते हैं, ये बहुत टेस्टी है। अनेक मत ऐसा ही। अभी इसका ऊपर हम लोग एक बटर पेपर कवर कर देंगे, नहीं तो इनसाइड आइस बन जाएंगे। तो ऐसा बटर पेपर देके इसको अच्छा तरह से टाइट कवर करके हम लोग डीप फ्रीज़र में डालेंगे मिनिमम 6 घंटे के लिए, नहीं तो ओवरनाइट रख सकते हैं। मैंने ओवरनाइट रखा था, उसका बाद फ्रीज से निकाल के अभी देख रही हूँ अच्छा तरह से जम गई है। अभी इसको हम रिमूव करेंगे, थोड़ी देर बाहर रख के इसको आउटसाइड थोड़ा पानी के अंदर भी डाल सकते हैं तो जो जल्दी वो निकाल जाते हैं बोल से। अभी मैंने नाइफ का मदद से चारों तरह से उसको निकाल लिया, उसका बाद प्लेटर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। अभी आपका मन चाहे जैसे शेप डाल सकते हैं। स्कूप में भी आप राउंड शेप देके साफ कर सकते हैं। मैंने ऐसा ही समझा, ऐसा ही कटिंग करके सिंपल तरीक़ा से साफ करूँगी तो मैं इसी तरह से ऐसा ही कटिंग किया। आपको मन चाहे तो स्कूप से भी राउंड राउंड शेप दे सकते हैं। इसका ऊपर मैंने थोड़ा क्रीम डाल के डेकोरेशन कर रही हूँ सर्विंग के लिए। आप चाहे तो ऐसा ही सर्व कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन ये रियली बहुत टेस्टी है। आप घर में एक बार बना के देखिए। इसका ऊपर मैंने थोड़ा चेरी डाल रही हूँ
सर्विंग के लिए। चिल्ड्रंस का बर्थडे में आप आराम से बना सकते हैं। अभी थोड़ा सिल्वर बॉल लेके इसका ऊपर स्प्रिंकल कर दिया तो देखने में और भी सुंदर लग रही है। देखिए डिलीशियस चॉकलेट आइसक्रीम रेडी है अभी सर्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।